तो गाइस वेलकम टू क्रिटिक्स एनीमे। आज हम करने वाले बुरुटो एपिसोड नंबर 7 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलो बिना वक्त गवाए सब्सक्राइब कर दो इस चैनल क्रिटिक्स एनीमे को और चलो स्टार्ट करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। तो गाइस आज का एपिसोड कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। बुरुटो बताता है कि मेडल और शिनो सेंसे के आसपास कुछ उसने ऐसा देखा था जो कि भयानक था, और वो यहाँ पे शिकाड़े को बता रहा था। तो शिकाड़े कह रहा था कि ये क्या बता रहे हो बुरुटो, और फिर बुरुटो कहता है देखो ना ये सच में ऐसा ही था, मैंने सेम टू सेम ऐसा ही देखा था। तो ये देख कर शिकाड़े डरता है और कहता है बुरुटो तुम अभी अजीब बर्ताव करने लगे हो, समझे। फिर बुरुटो उसको वापस से दिखाता है तो ये भी थोड़ा सा यकीन करने लगता है, क्योंकि बुरुटो उसकी तरफ कुछ अजीब तरह से देखने लगता है। फिर हम देखते हैं कि उनके दुकान के बाहर से 3 लड़कियां जाती रहती है, और वो उनके पीछे कोई तो भी जाता रहता है, मतलब कोई तो भी उनका पीछा करते रहता है। उसमें से हम देख सकते हैं यहाँ पर उसके पीछे कोई तो भी है, और बाद में जब वो पीछे देखते हैं तब उन्हें कोई दिखाई नहीं देता वहाँ पर। फिर बाद में यहाँ पर शारदा कहती है क्या हुआ, फिर वो बोलती है कुछ नहीं, और फिर हम वापस से देखते हैं कि उनके पीछे कोई आ जाता है। फिर एक चोचो वापस से पीछे देखती है पर उनके पीछे कोई नहीं होता, मतलब यहाँ पे टाइम पास हो जाता है इनका। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे चोचो के आसपास लड़कियाँ बैठती है और चोचो खाना खाने लगती है, और वापस से वो एक मॉल में जाते हैं, और बाद में वहाँ से भी बहुत सारा सामान खरीद लेते हैं खाने का, और चोचो भी सामान खरीद लेती है। और वो जूस पीने जाते हैं तभी उसके पीछे चोचो को आदमी दिखता है, और फिर वो आदमी को दबा देती है, और उस आदमी का बहुत ज़ोर से चिल्लाने का आवाज़ आता है, और ये बुरुटो और उसके साथी भी उधर जाने लगते हैं। और वह जब वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं तब वो देखते हैं कि चोचो ने एक आदमी को पकड़ रखा है, और वो आदमी कहता है मुझे छोड़ दो। और फिर बुरुटो कहता है कि हे चोचो उस आदमी को छोड़ दो, ये मर जाएगा, तुम्हारी हालत देखो और उसकी हालत देखो। उसके बाद वो आदमी पूरा पिचक जाता है और कहता है माफ़ कर दो मुझे। फिर सब उसको घेरा करके बैठते और कहते हैं क्या हुआ तुम क्या कर रहे थे। तो फिर बाद में चोचो बुरुटो और उसके दोस्तों को कहती है कि ये हमारा पीछा कर रहा था, इसको समझाओ, यह अपने साइड के ही क्लास का लड़का है। फिर बुरुटो उससे बातें करता है, और फिर बाद में उस बुरुटो उसको कुछ भी कहता है जिससे कि उसको रोना आता है, और वो खड़ा होता है और कहता है कि ये लड़की मुझे पसंद है। फिर बुरुटो कहता है कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो, तुम तो बहुत ओवर रिएक्टिंग कर रहे हो। फिर ये कहता है मैं जो भी कहता हूँ सच कहता हूँ, और फिर बाद में ये उसके सामने जाता है तो इसे बहुत शर्म आती है। फिर बुरुटो कहता है अरे कैसी अजीब चीज़ें कर रहा है ये, मुझे तो कैसा तो भी हो रहा है। और फिर वो अचानक से जब उसके सामने जाता है और वो कहता है कि मैं बहुत सच बोलने वाला हूँ अभी, और फिर वो नीचे होता है और कहता है चलोगे मेरे साथ। तो फिर बाद में चोचो बीच में आती है और कहती है तुम ये चिप्स खाओगे बहुत मस्त है। फिर बाद में चोचो कहती है तुम नीचे मत बैठो, ये लो खा लो, ये तो बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। और फिर बाद में वो कहता है क्या मुझे तुम चिप्स दे रही हो चोचो, और फिर उसे गुस्सा आता है और फिर वो रोने लगता है, और फिर चोचो के चिप्स को हवा में फेंक देता है और ज़ोर से भागने लगता है और कहता है कि तुम्हें इसका अंजाम सहना पड़ेगा। और फिर जब बाद में उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है और वो स्केचिंग करने लगते हैं, तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इस लड़की के कुछ स्केच अच्छे नहीं आते। और फिर अचानक से एक लड़की को ब्लैक बोर्ड पर कुछ दिखता है, और वो दिखते हैं कि वो सुमिरे नाम की ये लड़की रहती है, जिस पे वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा देखता रहूँगा। और फिर बाद में हम देखते हैं कि बुरुटो उसके साथी और ये 3 लड़कियाँ नीचे आ जाते हैं, और अचानक से ऊपर से पेपर्स की बौछार होने लगती है, और बाद में हम देखते हैं कि उन सारे पेपर्स पे सिर्फ एक ही चीज़ दिखी रहती है कि सुमिरे मैं तुम्हें हमेशा देखते रहूँगा। और फिर बाद में ओ गाइस अगर आपको पता नहीं है सुमिरे कौन है तो मैं आपको बता दूँ, ये जो मिडल में की लड़की है जिसके आके वाइट हो रखे है वही सुमिरे है, जो अचानक से अकेली पड़ जाती है। और बाद में वो मतलब उनका ग्रुप बॉयज़ के ग्रुप से अलग हो जाता है और वो एक रूम में जाके छुपते हैं, और पर अचानक से बहुत धुआं होता है जिससे कि ये सुमिरे बाहर निकल जाती है, और उसके दो दोस्त चोचो और शारदा अंदर रह जाते हैं, और इसको बहुत डर लगता है कोई मुझे परेशान तो नहीं करेगा। और फिर जब ये चोचो और शारदा बाहर निकलती है तब बुरुटो भी वहाँ पर आता है, और अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे बुरुटो के आगे यहाँ पे डेंकाई पड़ा हुआ होता है। और बाद में हम ऊपर देखते हैं तो ऊपर ये सड़ा हुआ लड़का इस
सो मेरे को परेशान करते रहता है। फिर पीछे से बोरूटो आता है और बोरूटो की आँख से उसे उसके ऊपर कुछ तो भी अजीब सा दिखता है। फिर बोरूटो कहता है कि इसके ऊपर भी वो शैतान जैसा दिख रहा है जो मुझे बाकी लोगों पर भी दिखता था। फिर वो ये सिखाड़े को बताता है और फिर ये देखकर ये पीछे खड़ा हुआ जो मिर्ची होता है उसको भी कुछ अलग ही लगता है। फिर चोचो कहती है कि तुम बहुत फटके खाने वाले हो आज। फिर बुरुटो कहता है कि मैं इसे मज़ा चखाऊंगा और फिर ये कहता है मुझे गुस्सा मत दिलाओ। और फिर वो ऐसे ही कहता रहता है और वो कहता है अब तुम नहीं बचोगे। और वो अचानक से अपने चादर के कारण गायब हो जाता है। और सुनाडे कहती है मतलब शारदा कहती है कि ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे वो छुप छुप के बुरुटो और सिकाड़ाई पर हमला करता है और सिकाड़ाई नीचे गिर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे बुरुटो कहता है हमें कैसे वैसे करके इसको हराना पड़ेगा। तभी चोचो अपनी अजीब सी चिप्स उसके वापस सामने लाती है और बुरुटो कहता है ये क्या कर रही हो चोचो, ये खाने का टाइम नहीं है। और वो कहता है कि ये चिप्स किसको चाहिए। फिर अचानक से वो उसके सामने आता है और कहता है तुम मुझे परेशान मत करो, ये चिप्स के कारण ही मेरे तक भागा था, मुझे तुम परेशान मत करो। तो ये कहती तुम खा के तो देखो। और फिर वो उसके पास आता है और कहता है दे दो मुझे एक चिप्स खाने को। और फिर वो एक खा के देखता है तो उसको बहुत मस्त लगता है और वो कहता है थैंक यू, ये वाह कितना मस्त है। और फिर चोचो कहती है ये दो फ्लेवर के हैं, बहुत मस्त है, तुम्हें लेने हो तो तुम साइड वाले दुकान पर जा सकती हो। तो फिर ये रोता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और फिर ये कहता है कि माफ़ कर देना सो मेरे मैं जा रहा हूँ। और फिर बुरुटो कहता है ठीक है मैं भी जाता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कैंटीन में खाना खाते रहते हैं। और फिर बुरुटो कहता है कि हाँ जैसा मैंने डेंकाई पे देखा था वो अचानक से वो जो शैतान है उसको छोड़ के चला गया, वैसे ही मैंने यहाँ पे उस लड़के पर देखा, रुको मैं ड्राइंग बना के दिखाता हूँ। और वो अजीब सा मुँह करके ड्राइंग करके दिखाता है कि ऐसा ही था वो शैतान जो उस लड़के के ऊपर था। फिर ये ड्राइंग देखकर ये दोनों हैरान होते हैं और सिकाड़े उल्टी भी कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि सिकाड़े कहता है कि मजाक मत करो बुरुटो। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पे नरुटो उस जो शैतान है उसकी रिपोर्ट देखता है और उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने की सोचता है कि वो आखिर क्या है और क्यों है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे इन होकागेस की मूर्तियों के ऊपर ये मित्सुकी बेटा रहता हुआ है, मित्सुकी क्या नाम है पता नहीं है। और वो अपने सांप से कहता है कि ये क्या है, अगर जो बुरुटो कह रहा है वो सच है और अगर वो सच है तो वे सिर्फ उसे ही क्यों दिखाई देता है, इसकी हमें जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, समझे तुम। और ऐसे ही ये एपिसोड ख़त्म होता है। yeah.